Assalamu alaikum. I hope all of you are good and safe at your home. And today I will discuss some important models of chemistry. कि आप किस तरह से chemistry में models बना सकते हैं. यहाँ पे जैसे कि आपको model दिखाई दे रहा है acid rain का, जिसमें concept दिखाया गया है कि किस तरह factory से gases निकलती हैं और वो gases जो हैं वो किस तरह से आपके लिए दोबारा water के साथ react करके acid rain produce करती हैं. इसमें आपको एटम का मॉडल दिखाया गया. डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स दिए थे. ये एक एटम का ये है वो उसमें मॉडल है एटम. इस तरह से ये आयन का मॉडल है. आप किस तरह से बना सकते हैं कि आयन में किस तरह से आप अरेंजमेंट कर दिखा सकते हैं. ये 3D एटम का मॉडल है, तो आप ये भी बना सकते हैं. तो आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे. जैसे ये एक और एटम का मॉडल है, इसमें भी 3D मॉडल है जिसमें दिखाया गया फर्स्ट शेल है, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये भी 3D मॉडल है एटम का. देखें लुक में कितना खूबसूरत सा लग रहा है. ये बॉल्स आपको बाजार में इजीली अवेलेबल है. इस तरह से ये DNA का मॉडल है. ये भी इन भी इन बॉल्स को अरेंज करके जो है वो बनाया गया है. तो आप इन वीडियोज़ को देख के यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं. यहाँ पर डिफरेंट आपको मॉलिक्यूल्स के मॉडल दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन का होता है, किस तरह से और मतलब कि यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है किस तरह कार्बन डिफरेंट एटम्स के साथ लिंक है या नाइट्रोजन का, आप इस तरह से बना सकते हैं. अगेन एटम का स्ट्रक्चर देखें, सेंटर में न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स शो कर दिए. कलर्स आपने इंडिकेट कर देंगे. यहाँ पे आप गैसेस का सॉलिड लिक्विड गैस का मॉडल बना सकते हैं कि मॉलिक्यूल किस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं या स्पेसिस उनके अंदर जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है. ये सबसे खूबसूरत मॉडल है जो कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स के बारे में है. इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी ज्योमेट्री है. आपने कलर देख लेना है कि इस कलर से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पे भी आपको डिफरेंट कलर से और उनके दरमियान में बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड्स बनाता है. यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि किस तरह से एटम के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ पे आप बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं. ये ऑर्बिटल्स की शेप हैं. आप इसका भी मॉडल बना सकते हैं कि पी किस तरह से होता है, YP, XP, YPZ. यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस दिखाई गई है, किस तरह से करंट पास करते हैं तो वो उसके अंदर आयनाइजेशन होती है. ये अगेन एसिड रेन का मॉडल है जिसमें आप देख सकते हैं कि एसिड रेन किस तरह से जो है वो होती है. ये एक इंडस्ट्रियल सेटअप है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं. तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव लगता है. ये अगेन सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्री है. ये बहुत ही अमेजिंग, दिखने में बहुत क्लीन खूबसूरत और बहुत हार्ड वर्किंग काम रिक्वायर है. ये अगेन न्यूक्लियस में हमने दिखाया कि किस तरह से प्रोटोन न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन अरेंज हैं. तो थर्मोपोल शीट के ऊपर है. ये भी बहुत खूबसूरत है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स डिफरेंट अरेंज किए हुए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं. एक और आइडिया है जिसके थ्रू आप बना सकते हैं एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं. चार्ट के ऊपर किस तरह से बना सकते हैं. ये भी फोल्डेबल है लेकिन अगर आपने कहीं एग्जीबिशन में करनी है तो इतना फोल्डेबल नहीं बनाया जाएगा, वो लार्जर साइज़ पे. ये एक लार्जर साइज़ का एक आइडिया है किस तरह से हम बॉक्सेस बना सकते हैं छोटे छोटे और उन बॉक्सेस को हम कंबाइन करके बना सकते हैं. ये भी यहाँ पे देखें गोल वाली लुक में दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे हम आइसक्रीम के छोटे छोटे कप्स भी यूज़ कर सकते हैं. ये अगेन मॉडल है CH4 का है. आप देखें सेंट्रल कार्बन है, 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है. तो ये एक जो है ये बेंजीन रिंग का है जिसमें हमने बॉन्ड्स भी दिखाए हैं और किस तरह से कलर्ड बॉल्स यूज़ किए हैं. कलर कर लें बॉल्स को थर्मोपोल की. ये इंडस्ट्रियल सेटअप है. आप यहाँ पे जो ब्लॉक्स है ना इसके थर्मोपोल के जो है ना वो चौरस से ब्लॉक करके उसके ऊपर कलर चार्ट इंडिकेट कर सकते हैं. ये हैजन क्लेवर मेथड है, इसके थ्रू जो है हम रॉट आयरन वगैरह को डील करते हैं. ये भी कॉन्टैक्ट प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड का. आप इनको क्या कर सकते हैं, इस तरह के टावर कटिंग करके उसके ऊपर इंडिकेट